जी हाँ दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आज मध्य प्रदेश में सबसे कम कोरोना के केस देखने के लिए मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मध्य प्रदेश में दोस्तों केवल 26 कोरोना के केस हमको देखने के लिए मिले हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन को आपको मैं बताने वाला हूँ कि जिले में कितने केस आए हैं, पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के 20 ऐसे ज़िले हैं जो कोरोना मुक्त घोषित कर दिए हैं और आज दोस्तों आज केवल 26 कोरोना के केस हमको देखने के लिए मिले हैं। और आपको पता होगा मैं आपको डेली कोरोना की रिपोर्ट बताता हूँ, तो आज हम जो रिपोर्ट देखने वाले हैं 8 जुलाई को शाम को 6 बजे तक की पूरी रिपोर्ट अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 416 रह चुकी है। 416 मध्य प्रदेश में एक्टिव केस यानी कि हॉस्पिटल्स में, कोविड केयर सेंटर्स में जो एडमिट हैं वो अब 416 हैं केवल। इसके बाद अगर हम बात करें आज दिनांक को 8 जुलाई को शाम को 6 बजे तक 10 केस भोपाल में, 5 इंदौर में, 3 ग्वालियर में, 2 बैतूल में, 2 जबलपुर में एवं उज्जैन, रतलाम, नीमच तथा सिवनी में एक एक नया केस हमको देखने के लिए मिला है। तो आज मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में कोरोना के केस आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, बैतूल, जबलपुर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिलों में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के केवल 9 जिलों में यहाँ पर कोरोना के केस आए हैं। 20 जिले ऐसे ही कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए हैं और दोस्तों बाकी के ज़िले में भी यहाँ पर कोरोना के केस काफ़ी कम रह चुके हैं, यानी कि अब टोटल हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस की जो संख्या रह चुकी है वो 26 रह चुकी है। यानी कि आज मध्य प्रदेश में केवल 26 केस ही हमको देखने के लिए मिले हैं। अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.03% हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 0.03% पॉजिटिविटी रेट है आज हमारे मध्य प्रदेश का। अगर हम बात करें आज मध्य प्रदेश में 47 पेशेंट ऐसे हैं जो कि डिस्चार्ज किए गए हैं। कितने डिस्चार्ज किए गए हैं दोस्तों? 47 पेशेंट यानी कि 47 पेशेंट डिस्चार्ज किए गए हैं और डिस्चार्ज होने के बाद में जो मरीजों की संख्या रह जाती है वो रह जाती है 416। जी हाँ दोस्तों, 416 पेशेंट हमारे मध्य प्रदेश में इस टाइम पर एक्टिव हैं। तो पूरी रिपोर्ट हमने देख ली है। अगर हम बात करें आज हमारे मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन किया गया है वो वैक्सीनेशन किया गया है 664,000। जी हाँ दोस्तों, 664,157 डोज लगाए गए हैं वैक्सीन के। जी हाँ दोस्तों, 664,157 डोज यहाँ पर वैक्सीन के लगाए गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में अगर पूरे बात करें तो 2,31,40,486 डोज वैक्सीन के यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, कोरोना से संबंधित पूरी रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिले वाइज भी देख सकते हैं किस जिले में यहाँ पर कितने डोजेस लगाए गए थे आज वैक्सीन की, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर आप इसको आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।